नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन और मेरे साथ अनुपम मौजूद है। और आज इंडियन क्रिकेट के लिए कह सकते हैं एक बहुत बड़ा दिन रहा है, क्योंकि आज एशिया कप का स्क्वाड का जो है काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है और टीम इंडिया सामने आ चुकी है। और एशिया कप ही नहीं बल्कि वर्ल्ड कप भी हम इसके ज़रिए टीम निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो नाम इसमें आए हैं। बिल्कुल, एक दो चेंजेस मुझे लग रहे हैं, उस पर मैं बात करूंगा। शायद वो चेंजेस आगे देखने को मिले, लेकिन एशिया कप बिल्कुल जितने ये 20 नाम आने वाले थे कि इनको रखा जाएगा उनको रखा जाएगा सारे ही आ गए। बिल्कुल, और सभी लगभग सभी नामों को इन्होंने ले लिया, कंसीडर किया। तो टीम आपको बता देते हैं एशिया कप की जो चुनी गई है। रोहित शर्मा, क्योंकि खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे अजीत अगरकर के साथ में, रोहित शर्मा है कप्तान। शुभमन गिल आपको टीम में नजर आएंगे। विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल का नाम है इस लिस्ट में। सूर्य कुमार यादव भी हैं, सूर्य कुमार यादव को चर्चा हो रही थी मिलेगी नहीं मिलेगी जगह। तिलक वर्मा का नाम आ चुका है, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा इस टीम के अंदर, अक्षर पटेल हो गए, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव, साथ में प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने हाल ही में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और संजू सैमसन को बैकअप के तौर पर रखा है। ट्रैवलिंग भी आगे लिखा हुआ है कि स्टैंड बाय प्लेयर हैं। और जो मेन विकेट कीपर आपके केएल राहुल ही हैं, अगर उनको कुछ होता है तो शायद इनका मौका जी निकल है। और मुझे लगता है कि एशिया कप के में सारे मुकाबले नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि पहला देखिए आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं, हो सकता है आप वहाँ पे केएल राहुल को एज अ टेस्ट करा दें वहाँ पे कि चलिए आप आइए पहला मुकाबला खेलिए, क्योंकि देखिए वो जो उनकी सर्जरी कराई थी उन्होंने वो उससे रिकवर कर गए हैं, लेकिन दोबारा उन्हें एक निगल हो गई है, तो हो सकता है उसकी वजह से वो एशिया कप में लगातार फ्लुएंसी के साथ सारे मैचेस ना खेलें, क्योंकि देखिए आपको नेपाल के खिलाफ भी एक मुकाबला खेलना है, तो वहाँ पे आप एज अ विकेट कीपर संजू सैमसन को रख सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक नाम है ईशान किशन, तो हो सकता है अगर स्टैंड बाय प्लेयर के रूप में संजू सैमसन है, ईशान किशन जैसे आप, मुझे लगता है ईशान किशन को तभी जगह मिलेगी अगर शुभमन गिल फिट नहीं होते हैं, तो क्योंकि जो टीम आप देखिए, अगर रोहित शर्मा तो आ रहे हैं शुभमन गिल के साथ में, और ये देखने वाली बात है जब टीम अनाउंस हुई तो शुभमन गिल का नाम शुरू में नहीं था, उसके बाद दोबारा से फिर देखा हमने शुभमन गिल का नाम सामने आया उसमें, हाँ एक एरर जरूर था, लेकिन उसके बाद देखिए जिस तरीके से रोहित शर्मा से भी सवाल किया गया नंबर चार को लेकर के, जब सवाल किया गया कि भाई नंबर चार पर आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर ये उन्होंने पहले भी बात मानी है कि जो 2011 में टीम थी उस टाइम जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो एज अ स्पिनर, मतलब एज अ बॉलर भी थे, मतलब युवराज सिंह देख लीजिए आप, वीरेंद्र सहवाग उठा के देख लीजिए, इसीलिए उनका ये स्टेटमेंट आया कि हो सकता है भाई विराट कोहली और मैं भी गेंदबाजी कर रहे हों, शायद हो सकते हैं एशिया कप के अंदर। 2016 का T20 वर्ल्ड कप भी हमें याद है, वहाँ पे विराट कोहली से गेंदबाजी कराई थी, तो हो सकता है यहाँ पे एशिया में आप खेल रहे हैं, अगर आपको थोड़ी का गेंदबाजी की अगर जरूरत पड़ती है, चाहे मीडियम पेसर की बात करें, स्लो मीडियम पेसर की, तो कोहली कर सकते हैं। रोहित शर्मा पहले स्पिन करते थे जब अपने शुरुआती करियर स्टेज में थे, तो वहाँ पे वो स्पिन करते थे, हालांकि काफी लंबे टाइम से नहीं करा है। तिलक वर्मा को वो एज अ बैकअप गेंदबाजी उनको भी देख रहे हैं। अक्षर पटेल को इसी बेसिस पे आप टीम में ले आए हैं कि वो आपके लिए बल्लेबाजी भी कर देंगे पिछले निचले क्रम में। ये थोड़ा मुझे इनका फैसला थोड़ा सा मुझे अलग लगा कि भाई अगर आप जैसे बात कर रहे हैं अक्षर पटेल की, तो अक्षर पटेल ने पिछले एक साल में कुछ खास बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं की, दौरा भी उनका कुछ ज्यादा बिल्कुल नहीं गया। आप एज अ बैट्समैन उनको खिला रहे हैं तो उनकी एवरेज 18 के आसपास है, रन वहां पे नहीं बना रहे हैं। शायद एक चीज हो सकती है कि भाई इंडियन कंडीशंस पे शायद ये एज अ बैट्समैन, क्योंकि बैट्समैन के तौर पर लेना मुझे लगता है ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे बेहतरीन बैट्समैन हैं, बहुत सारे बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं, और आप एक ही सेम एक्शन सेम इंस्टेंस सब कुछ रविंद्र जडेजा से मिलता जुलता बिल्कुल उनके ऊपर तरजीह नहीं देंगे, सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर आपको बल्लेबाजी में अनुभव ही चाहिए था एक, तो आप क्यों नहीं रविचंद्रन अश्विन के साथ गए, आपको गेंदबाजी में भी एक अलग वेरिएशन देते, बल्लेबाजी में भी वो अक्षर पटेल से कहीं ना कहीं ज्यादा अनुभव रखते भाई, टेस्ट शतक है पांच। और मुझे लगता है कि देखिए यूजी चहल और अश्विन के साथ ना, ये दोनों बड़े नाम है इंडियन क्रिकेट के अंदर, इन्होंने कई बड़े मैचेस जिताए हैं। यूजी चहल आप देखिए पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जब आ रहा था तो फिर इनका नाम गायब हो गया, जब जब ये टीम में खेलते हैं तो सीरीज, जिस भी सीरीज में खेलते हैं इनका परफॉर्मेंस उठा के देखिए अच्छा है। पहले इनको वेस्ट इंडीज के दौरे से इग्नोर किया, उसके बाद अब एशिया कप में नहीं है, तो मतलब वर्ल्ड कप में भी नहीं खेल रहे हैं। और तिलक वर्मा देखिए जिस नाम को लेकर चर्चा की गई थी, आपने एक भी ओडीआई उन्होंने अभी तक खेला नहीं है, दो ही मैच खेले हैं अभी के, ओडीआई भी कहां, बिल्कुल ओडीआई भी नहीं थी, सिर्फ वो T20 मुकाबले थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जहां उन्होंने डेब्यू कैप ली थी, उसके बाद आयरलैंड सीरीज, आयरलैंड सीरीज उनकी कुछ खासा बेहतर गई नहीं है, पहला डक, दूसरा मुकाबला भी आपने कल सभी आपने देखा कि कैसे उनकी परफॉर्मेंस रही है, यानी कुछ खास आया नहीं है। आप उस खिलाड़ी को लेके जा रहे हैं, भले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल दिया कि भाई हम उनको खिलाएंगे नहीं, अगर आप उनको खिलाना नहीं था तो आप उनको ट्रेवलिंग स्टैंड बाय प्लेयर रख लेते। देखिए मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे दो बड़ी वजह हो सकती है, एक तो लेफ्ट एंड की जो बात हो रही है कि तीन लेफ्टी खिलाने हैं, तो शायद तिलक वर्मा को उस पोजीशन पे वो देख रहे हैं। दूसरा देखिए एक चीज होती है कि मुंबई इंडियंस से इनका लंबा
जुड़ाव रहा है। रोहित शर्मा जो है मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं और पीछे कुछ समय पहले देखिए वो फैमिली मेंबर्स के साथ भी रहते हैं, तो थोड़ा सा एक मतलब सपोर्ट कह सकते हैं कि मिलता है। और परफॉर्मेंस नो डाउट उन्होंने जितने मौके उनको मिले उन्होंने परफॉर्मेंस किया, लेकिन उनसे क्या एज अ गेंदबाज भी आप गेंदबाजी करा सकते हैं एज अ पार्ट टाइमर, क्योंकि आप पार्ट टाइमर भी तो तलाश रहे हैं, आपने एक गेंदबाज कम कर दिया स्पिनर के तौर पर। अगर आप उनसे पार्ट टाइम देखिए यहां मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं, क्योंकि अगर आप तिलक वर्मा को एज अ पार्ट टाइमर गेंदबाज देख रहे हैं तो फिर अक्षर पटेल की फिर टीम में क्या जगह बनती है? अक्षर पटेल के तो सिलेक्शन पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि इस टीम में अक्षर पटेल को जगह नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन अक्षर पटेल को जगह आप देखिए संजू सैमसन को बतौर आप मुझे लगता है 15 के अंदर इनको 18 के अंदर होना चाहिए ना कि आजा, और तिलक वर्मा जो जिक्र किया ना वो होने चाहिए स्टैंड बाय के तौर। और देखिए तिलक वर्मा को इतना तक कहा गया है कि अगर वो एशिया कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं तो उनके लिए ओडीआई वर्ल्ड कप में हिस्सा बनने के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी आप उनको ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भी लगभग लगभग कंसीडरेशन में पूरा लेके चल रहे हैं, सीधा सीधा मतलब है फिर आप संजू सैमसन को टोटली। लेकिन आप ये देखिए अनुभव प्लेइंग 11 में तिलक वर्मा की जगह बन का रही है, अगर आप मैं प्लेइंग 11 अगर आप यहाँ भी हम डिस्कस करें तो नंबर एक पर शुभमन गिल रोहित शर्मा के साथ दो तो आपके तय है, नंबर तीन पर विराट कोहली तय है, नंबर चार के लिए ऑलरेडी तीन खिलाड़ी लगे हुए हैं, या तो केएल राहुल आएंगे श्रेयस अय्यर आएंगे या फिर आप किसको आप जगह देंगे? आप सूर्य कुमार यादव को आप टीम में किस बेसिस पे? सूर्य कुमार यादव को भी मुझे लगता है कि बैकिंग है कहीं ना कहीं, सूर्य कुमार यादव को भी पूरा सपोर्ट है, आप पिछले दो तीन सीरीज उठा के देखिए हर एक दौरे पर उनको लेके गए हैं, ओडीआई में उनके रिकॉर्ड बहुत खराब है और आप 56 के लगभग एवरेज है संजू सैमसन की, इनसे आगे से विराट कोहली है जिनकी 57 के आसपास एवरेज है, तो इतना बढ़िया खिलाड़ी जो ओडीआई में आपको इतने रन दे के दिखता है उसको आप कहीं ना कहीं आप एज अ कह रहे हैं कि भाई अगर कोई खिलाड़ी चोटिल होगा तो शायद हम आपको जगह देंगे। और ईशान किशन का भी जो जिक्र हो रहा है ना, ईशान किशन बैकअप ओपनर के तौर पर है इस टीम में, अगर शुभमन गिल को कोई चोट लगती है या रोहित शर्मा इंजर्ड होते हैं तो ईशान किशन खेलेंगे, वरना ईशान भी बाहर बैठने वाले हैं। एक बार देखो आप एशिया कप में आप ईशान किशन को भी ले जाते हैं, तिलक वर्मा को लेके जाते हैं, वर्ल्ड कप के लिए आप तो सिर्फ 15 खिलाड़ी देंगे, बिल्कुल वहाँ पे भी क्या आप अक्षर पटेल को टीम में जगह देंगे? और देखिए लास्ट में जो आपने इन्होंने कहा है कि अभी रवि अश्विन या फिर चहल के लिए दरवाजे क्लोज नहीं हुए, यानी वर्ल्ड कप कंसिडरेशन में वो आ सकते हैं। और अनुभव ये जो टीम सिलेक्ट हुई है ना इसमें प्लेइंग 11 में भी तीन खिलाड़ियों में तगड़ी लड़ाई होगी, शार्दुल, अक्षर और साथ में कुलदीप यादव, इन तीनों में से कोई एक जगह ही बनती हुई नजर आ रही है। देखिए मैं एक बार प्लेइंग 11 में बात करते हैं कि कैसे जाएगी, सबसे पहले देखिए रोहित और गिल कंफर्म, बिल्कुल नंबर तीन पर विराट कोहली पे मैं देखता हूं, श्रेयस अय्यर मुझे लगता है ये मुझे भी लगता है फिट है, सूर्य कुमार और श्रेयस पे श्रेयस को आना चाहिए, नंबर श्रेयस ही आएंगे कोई डाउट नहीं है क्योंकि श्रेयस पूरी तरह से फिट है और एनसीए में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, प्रैक्टिस करी है जी, कि भाई जो प्रैक्टिस मैच हुआ था 50 ओवर फील्डिंग करी, पांच पे आई थिंक केएल राहुल की जगह, पांच पे आपको विकेट कीपर चाहिए, ऋषभ पंत ऑब्वियसली इंजर्ड है तो उनकी जगह पे केएल राहुल आपके लिए विकेट कीपिंग करेंगे, छह पे पांड्या फिक्स हैं ऑलरेडी, अगर राहुल नहीं होते हैं तो फिर आप ईशान किशन को टीम में लाएंगे, क्योंकि देखिए आपके पास बैकअप विकेट कीपर एशिया कप में ईशान किशन है नहीं, लेकिन ये जो टीम सिलेक्ट की गई है इसमें बैकअप विकेट के तौर पर संजू सैमसन को लेके चल रही है टीम, और एज एन ओपनर जो है ईशान किशन को लेके चल रही है, बैकअप विकेट कीपर आप संजू सैमसन को लेके चल रहे हैं लेकिन वो स्टैंड बाय प्लेयर है, और मेरे को यहाँ तक लगता है जो पहला मैच होगा ना शायद, क्योंकि जो इंजरी है केएल राहुल की इतनी जल्दी नहीं फिट होने वाले, शायद पहला मैच मिस कर जाए, लेकिन उसके बाद शायद, और पहला मैच अगर मिस करेंगे तो शायद वहां पर संजू सैमसन का जो मुझे लग रहा है एक ही मैच में मौका मिल सकता है, उसके बाद शायद वो नहीं खेलेंगे, बहुत मुश्किल लगता है संजू सैमसन का कि वो पहला मैच वो भी पाकिस्तान के खिलाफ तरजीह मिलेगी, अगर तरजीह मिलनी होगी तो आप उनको स्क्वाड में रखते हैं ना कि एज अ बैकअप विकेट कीपर रखते हैं ट्रेवलिंग स्टैंड बाई प्लेयर में, यानी टीम के साथ ट्रेवल करेंगे लेकिन स्क्वाड का हिस्सा वो नहीं है, उसके बाद फिर देखें, अगर देखिए नंबर पांच तक हमने बात करी, नंबर छह पे हार्दिक पांड्या, नंबर सात रविंद्र जडेजा, अब इसमें आप छह सात कर सकते हैं अगर आपको बैटिंग ऊपर नीचे के हिसाब से कि जडेजा ऊपर है, बल्लेबाज भेजना है पहले या आपको हार्दिक पांड्या को भेजना है, वो आप उस टाइप गेम सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे, सात फिक्स है, नंबर आठ मुझे लगता है कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव या शार्दुल ठाकुर, किसको देखते हैं? मैं कुलदीप यादव के साथ जाऊंगा क्योंकि आपको एक लेग स्पिनर चाहिए ही चाहिए टीम में, आपने यही बात कही ना कि भाई हमने देखो कुलदीप और यूजी दोनों को लेके काफी बात की कि लेग स्पिनर कौन होना चाहिए, हमें वो भी चाहिए जो बल्लेबाजी कर सके, और इस तरजीह पर आपने अक्षर पटेल को टीम में रख लिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टीम ये भी सोच सकते हैं कि भाई हम शार्दुल को भी खिला लें, कुलदीप को भी खिला लें और उधर शामी या सिराज में से किसी एक को खिलाएं, फिर अगर क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट शायद ऐसा भी हो सकता है कि बुमराह और शामी को उतार दें, और तीसरा आप अगर मेन पेसर को देखते हैं तो फिर आप शाहरुख, क्योंकि इंडियन कंडीशंस पे कई जगहों पर दो स्पिनर्स की आपको बहुत जरूरत है,
जिस तरह की पैचेज है या वर्ल्ड कप में देख लें या आप एशिया कप में देख लें, वहाँ आपको स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल कुलदीप यादव को देखिए, कुलदीप यादव को अगर ये टीम भार करती है तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। आप देखिए बहुत जबरदस्त इनका रिकॉर्ड रहा है, जिस तरीके से इन्होंने वापसी की पिछले एक साल में और जिस तरीके से आईपीएल में इनका सीजन गया गुजरा, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी कमाल की गेंदबाजी की और उसके बाद यहाँ पर भी इन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है। कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी ही है, वरना शायद कुलदीप नहीं होते तो शायद फिर युजवेंद्र चहल का जिक्र होता। लेकिन यूजी चहल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना उनकी किस्मत भी साथ नहीं दे रही और शायद उनको बैकिंग भी बहुत कम मिल रही है इस टीम में। अब देखिए जब वेस्टइंडीज दौरे पे वो गए थे, वहाँ पे जब उन्हें ओडीआईस खेलने का मौका नहीं दिया गया था, तभी लगभग ये क्लियर हो गया था कि ये कंसीडरेशन में शायद एशिया कप सिलेक्शन टीम में ये ना हो। और देखिए वही हमें देखने को मिला है 2021 वर्ल्ड कप, 2022 वर्ल्ड कप टी20 आईज का दोनों जगह उन्हें मौका नहीं मिला। 2019 का वर्ल्ड कप कुलचा की जोड़ी आप पहले कह रहे थे, तब आपको दो लेग स्पिनर्स की चाह तो एक तरफ हो गए जो नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ कुल ही खेल रहे हैं, कुलदीप यादव खेल रहे हैं। और पहले तो आपको लेग स्पिनर की जरूरत थी, कुलचा की जोड़ी के साथ आप जाते थे, अब आपको लेग स्पिनर की जोड़ी नहीं है, यानी आप लगभग 7-8 तक आप जैसे देख रहे हैं कि आपके लिए वो खिलाड़ी चाहिए जो आपके लिए बल्लेबाजी भी करे और गेंदबाजी दोनों कर सके। तभी शायद रोहित और विराट ने ये बात रोहित ने जिक्र किया कि भाई हम हो सकता है कि हम भी गेंदबाजी करें, क्योंकि शायद वो अपनी बैटिंग लाइनअप को और लंबा करना चाह रहे हैं, इसीलिए शायद शार्दुल ठाकुर को मौका देके नंबर 8 नंबर 9 तक लेके जाए। इसमें बल्लेबाजी को तरजीह दे रहे हैं तो फिर जो आपका तीसरा मेन पेसर होगा वो शार्दुल ठाकुर ही होंगे। फिर देखिए आपके पास टीम में अगर कॉम्बिनेशन फिर उस हिसाब से देखा जाए, लेकिन ये भी है अनुभव की मैच तो आपके गेंदबाज जिता के देंगे, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि भाई बैटिंग में चलिए इंडियन टीम टॉप पे मानी जाती है हमेशा, लेकिन आपको गेंदबाजों को भी उतना वो महत्व देना पड़ेगा अपनी टीम के अंदर। देखिए अब गेंदबाजी ऑब्वियसली बहुत महत्वपूर्ण होगी वो श्रीलंका में, खास तौर से स्पिनर। और देखिए अगर और इस एक चीज और कहना चाहूंगा, जसप्रीत बुमराह का हम जरूर यहाँ पे बात करेंगे, बुमराह की वापसी बहुत जबरदस्त हुई है, लेकिन नेट्स में जिस तरीके से उन्होंने बाउंसर्स और यॉर्कर मारे और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रनअप भी इनका चेंजेस हुआ है और थोड़ी स्पीड भी अगर आप देखें तो थोड़ा कम बढ़ती हुई है, लेकिन बुमराह देखिए वही चीज है कि प्रेशर होता है जब आप गेम में उतरते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और जब आप नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जमीन आसमान का अंतर है, तो इसीलिए जसप्रीत बुमराह को थोड़ा टाइम लगेगा वो वाले बुमराह बनने में जो हम उसे याद करते हैं। और देखिए यहाँ पे ना जैसे आपने स्पीड और पेस की बात करी, जब भी कोई खिलाड़ी इंजरी से बाहर आता है तो कहीं ना कहीं उसकी पेस थोड़ी सी फ्लक्चुएट जरूर होती है, और एक जब रिदम पकड़ने की बारी आती है ना, मार्कवुड भी जब इंजर्ड हुए थे देखिए इंग्लैंड के खिलाड़ी थे तो उनको भी रिदम वापस आने में 150-155 डालते थे, लेकिन शुरुआत जब कोई खिलाड़ी करता है तो थोड़ा सा रिदम पाने में उसको वक्त जरूर लगता है। और रनअप में थोड़ा सा चेंजेस किया है, हल्का सा आप हाथ में देखें अगर जब वो बॉल रिलीज करते हैं तो वहाँ पे भी चेंजेस किए, क्योंकि देखिए जब लंबे टाइम्स आप इंजर्ड रहते हैं फिर वापसी करते हैं थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ आते हैं ताकि वो इंजरी से आप बच सकें। और देखिए जसप्रीत बुमराह का थोड़ा सा एक्शन भी ऐसा है कि वो इंजरी प्रोन हल्का सा उनका एक्शन। और आई थिंक मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ है ना वो नंबर 4 नंबर 5 के स्लॉट पर हुआ है, मुझे लगता है कि अब डिस्कशन जो है नंबर 4-5 तो क्लियर लग रहा है, डिस्कशन होना चाहिए नंबर 7-8 किस तरीके से पोजीशन बनेगी 8-9 की, क्योंकि वहां पर आप क्या स्पिनर के साथ एक जा रहे हैं या आप एक तेज गेंदबाज को खिला रहे हैं। देखिए अगर स्पिनर के साथ अगर ये जा रहे हैं तो आपके पास स्पिन ऑप्शन है कौन, सिर्फ अक्षर पटेल और फिर क्या रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों एक ही एक्शन सब कुछ से वही और दोनों को आप टीम में डाल देंगे, फिर आप कुलदीप यादव के साथ रहेंगे। मुझे लगता नहीं कि अक्षर पटेल की जगह बनेंगे, मुझे लगता है जडेजा और कुलदीप यादव ही आएंगे। और अगर अक्षर पटेल एक भी मुकाबला नहीं खेलते हैं तो फिर टीम में सिलेक्शन का मुझे समझ में आता है उनका मतलब क्या, अगर आपको सच में कोई बायां हाथ का बल्लेबाज ही चाहिए, क्योंकि यार आप देखिए पिछले एक साल में कोई बहुत बड़ी पारी उनकी याद नहीं आती मुझे, मुझे लगता है इतने रन तो शायद शार्दुल ठाकुर भी आपको बना के दे देंगे जिस तरह की बैटिंग करते हैं, बल्लेबाजी लगता है वो करके टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं, वो ओडीआईज में भी अच्छा ही करेंगे। और मिडिल ओवर्स में अगर गेंदबाजी की बात आती है तो शार्दुल ठाकुर गेंदबाजी भी बेहतरीन करते हैं और मिडिल ओवर और विकेट निकाल के दिलाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है कि विकेट्स निकाल के दिलाते हैं। और आप देखिए अक्षर पटेल के कितने ऐसे क्रूशियल मैच आईपीएल के अंदर इंडिया के अंदर भी वेस्ट इंडीज दौरे में हमने देखा, कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल के आया, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी रन बनाने की और उन्होंने अपना विकेट गवाया। तो ऐसे में ये टीम जो है ज़रूर सवाल उठता है, लेकिन एक नाम का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे फ़ैन इंडिया में और बाहर भी एक नाम का जिक्र कर रहे थे, संजू सैमसन का, इनकी फ़ैन फॉलोइंग भैया बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लोग पसंद करते हैं, आज से नहीं पिछले साल भी हमने डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिजर्व करता था खिलाड़ी, एज अ टेम्परेरी बेस पे ना लेके जाए इनको, टीम में जगह देनी चाहिए। संजू सैमसन अब देखिए अगर जगह सच में बनती तो तिलक वर्मा से ऊपर इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये तो है ही। आप एक किसी खिलाड़ी को लगातार ओडीआई टीम के साथ रख रहे हैं, कभी खिलाते हैं कभी नहीं खिलाते,
और जब मेन टूर्नामेंट की बारी आती है जहाँ पे सच में आपको खिलाड़ियों को टीम में रखना चाहिए, वहाँ पे आप एक ऐसे खिलाड़ी को लाते हैं, ऐसे अनकैप्ड इंडियन को लाते हैं जिसने अभी ओडीआई में डेब्यू नहीं करा। लेकिन हम ये भी बात मानते हैं कि देखिए मौके तो मिले संजू को, लेकिन उतना ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए जितना उठाना चाहिए था। देखिए मौके कितने मिले, आप सूर्य कुमार यादव को 26 मुकाबले खिलाते हैं ओडीआई के और संजू सैमसन को सिर्फ 13। देखिए सूर्य कुमार और संजू को आप कंपेयर नहीं करें, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को हम सब जानते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा मौके अपॉर्चुनिटीज और बैकअप मिला है। ओडीआई परफॉर्मेंस देखिए, ऑन पेपर अगर आप रिकॉर्ड भी देखिए तो किसके अच्छे हैं, ऑब्वियसली उसमें संजू सैमसन फार बेटर हैं। और सूर्य कुमार यादव तो ओडीआई फॉर्मेट में तो अभी तक उन्होंने अपने आप को साबित किया ही नहीं है, आप उठा के देखिए कोई बड़ी इनिंग्स उनकी याद आती नहीं है। इट्स जस्ट लाइक हाँ T20 में ऑलरेडी सबसे बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन ODIs में हमेशा हम देखते हैं कि भाई कई बार ना कैप्टन और कोच का भी होता है कि भाई इस खिलाड़ी को हमें बैकअप करना है, मौके देने, अपॉर्चुनिटीज देने। ये हमें ऋषभ पंत के दौर पर भी समय आया था कि ऋषभ पंत को भी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, कुलदीप यादव को महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी थी, कोहली के टाइम पे कुलदीप यादव इतने नजर नहीं आए थे, लेकिन अब कुलदीप यादव ने कह सकते हैं कि वो जज्बा और मेहनत दिखाई है पिछले एक साल में, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस दिया है, IPL में परफॉर्मेंस दिया है, उसके बाद वेस्ट इंडीज दौरा और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। लेकिन तिलक वर्मा मुझे लगता है कि मुझे लगता नहीं प्लेइंग 11 में तिलक वर्मा होंगे, लेकिन फिर भी लेके चल रहे हैं कि शायद अगर कोई इंजर्ड हुई या कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे एशिया कप में इनका छोटी टीम के खिलाफ मौका दिया जा सकता है। तिलक वर्मा ODI में डेब्यू करेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि वो नेपाल के खिलाफ जो मुकाबला होने वाला भारतीय टीम का। लेकिन बड़ा सवाल, ये टीम आपको लग रहा है कि ये टीम एशिया कप और वर्ल्ड कप जिता के देगी इंडिया को? इसमें 11 टीम प्लेइंग 11 टीम में मजबूत खिलाड़ी हैं, ये मैं नहीं कहूंगा कि देखिए टीम स्ट्रांग नहीं है, टीम अच्छी है, स्ट्रांग है, लेकिन जो कुछ सिलेक्शंस हैं अगर उनके बिना प्लेइंग 11 उतरती है तभी। अब आप सूर्य कुमार यादव को आप कहीं से भी आप प्लेइंग 11 में नहीं डाल सकते, तिलक वर्मा को आप प्लेइंग 11 में नहीं डाल सकते, आपके जो सबसे क्रूशियल मुकाबला है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको खेलना है। अगर आपकी प्लेइंग 11 वही होगी जो आपने अभी बताई कि अगर KL और श्रेयस खेल रहे हैं तभी वो आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 है, लेकिन अगर आप सूर्य कुमार यादव को ODIs में ले आए बिना किसी बेस के, क्योंकि KL और श्रेयस भले ही काफी लंबे समय से दूर है लेकिन ODIs में इनके रिकॉर्ड शानदार हैं, एवरेज बहुत शानदार है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, और जरूर जब आपके मेन टूर्नामेंट्स आते हैं ना लाइक एशिया कप एंड वर्ल्ड कप तो वहां पर जरूर ये चीज जरूर नोटिस की जाती है कि भाई एक्सपीरियंस जो है मैटर करता है। और ये एक्सपीरियंस वाली बात ना राहुल द्रविड़ भी टीम को कह रहे होंगे और रोहित शर्मा भी ये मान के चल रहे होंगे, और इसीलिए आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो अजीत अगरकर ने बोला हम चाहते हैं कि भाई KL राहुल एक भी मैच मिस ना करे, KL राहुल फिट हो जाए, नीगल का उनका प्रॉब्लम है, शायद हो सकता है पहला मैच मिस कर जाए, लेकिन उसके बाद सारे मैच मुझे लग रहा है प्रॉपर एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे। जितने ज्यादा ज्यादा मुकाबला खेलें उतना ये भारतीय टीम के लिए भी जरूरी है और प्रशंसकों के लिए भी बेहतर होगा। खैर हमें ऐसा लगता है कि भाई ये टीम जीत सकती है, बहुत मादा रखती है, अच्छे खिलाड़ियों का सिलेक्शन होना चाहिए प्लेइंग 11 के अंदर, और अगर श्रेयस और KL फिट हुए तो जरूर नंबर 4 नंबर 5 पर वही नजर आएंगे, और नंबर 8 का जो नंबर है वो शायद बदल सकता है, उसमें 3 प्लेयर कंटेंशन में मुझे लग रहे हैं, कुलदीप यादव भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं और शार्दुल ठाकुर, इनमें से किसी एक के साथ या तो आप एक तेज गेंदबाज को कम करेंगे या फिर आप एक स्पिनर को कम खिलाएंगे, वो अब मुझे लगता है मैच डे पे ही कैप्टन का डिसीजन होगा, उसको एज अ फास्ट बॉलर लेके जाना है या फिर एक स्पिनर को उतारना है इस टीम में, और टीम पे भी डिपेंड करेगा कि भाई कौन सी ओपोनेंट टीम है, पाकिस्तान की टीम है तो फिर आप जरूर चाहेंगे, मुझे लगता है कि टॉप 3 गेंदबाजों को लेके जाएं आप, शामी, सिराज और अपना बुमराह, ये 3 गेंदबाजों को उतार दें, और अगर लग रहा है कि ट्रैक पे अगर स्पिनर्स को ज्यादा मदद है तो फिर मुझे लग रहा है कुलदीप यादव और साथ में जडेजा तो है ही है, वो तो फिक्स है बिल्कुल। तो ठीक है, अब ये थी प्लेइंग 11 और मुझे लगता है कि इसी तरह की टीम बन सकती है, आपको क्या लगता है कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच इंडिया ने खेलना है 2 तारीख को कैंडी में होगा ये मैच, वहाँ पर कौन से वो खिलाड़ी हो सकते हैं और इस टीम से आप कितने सेटिस्फाई हैं, आपको क्या लगता है कि युजवेंद्र चहल का इस टीम में ना होना कितना असर डालेगा, पिछले साल हमने T20 वर्ल्ड कप ऑलरेडी देख लिया है और इस साल का WTC फाइनल भी देख लिया है, अश्विन भार रहे थे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज, युजवेंद्र चहल जब जब मौका मिला अपॉर्चुनिटी को बनाया, और ये सिलेक्शंस पे आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, और वनिंदु असरंगा बिल्कुल, और ये दोनों ही टीमें पाकिस्तान और श्रीलंका बहुत खतरनाक है, लगातार क्रिकेट खेल रही है, T20 फॉर्मेट्स में देख लीजिए अलग अलग कंट्रीज में जाके खेल रही है, तो ये खतरनाक होगा एशिया का, बहुत जबरदस्त होगा इस बार, वहाँ पे खूब गेंदबाजी कर चुके हैं तो उनके बिल्कुल अनुभव भी होगा कैंडी में गेंदबाजी करने का, स्पिन ट्रैक है तो आसान बिल्कुल नहीं होगा, ये एशिया का बहुत जबरदस्त होने वाला है। और एक नाम लास्टली जाते जाते मैं बता दूं कि जो मुझे लग रहा है कि खैर इनका जिक्र नहीं हुआ लेकिन एशिया कप में इनके रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, और वो नाम शिखर धवन है, शिखर धवन में जब जब एशिया कप में खेला है
और ज़बरदस्त खेला है। पिछले अगर एशिया कप में देखे 7 मैचों में 500 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए थे, और मुझे लगता है कि यहाँ पे इनका भी ना यूजी चहल वाला हाल है, थोड़ा किस्मत साथ नहीं दे रही है। और बहुत ज़बरदस्त रोहित शर्मा के साथ 2013 से लगातार ओपनिंग कर रहे हैं, बहुत ट्रैक रिकॉर्ड इनका ज़बरदस्त है। वर्ल्ड कप में 2019 उठा के देखिए आप। लेकिन खैर, अब ये खिलाड़ी नहीं खेल रहा है, और उम्मीद करते हैं जो खेल रहे हैं वो अच्छा परफॉर्मेंस दे। और आप ज़रूर बताइएगा आप क्या राय रखते हैं इस पर, और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।